अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे टोटली एयर कंडीशनर को वॉल माउंटेड, जिसे हम स्प्लिट एयर कंडीशनर भी बोलते हैं, उसको हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी टोटली मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इनडोर यूनिट उसमें लगाना होता है। हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे और आउटडोर यूनिट पर इसको टोटली क्लियर करेंगे। इंडोर यूनिट फिटिंग, आउटडोर यूनिट फिटिंग, उसकी पाइपिंग, उसके जॉइंट, उसके कनेक्शंस और तमाम डिटेल हम जानेंगे यहाँ पर। अब मैं सबसे पहले इसकी बैक प्लेट को इस एसी में रख कर, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें मूवमेंट थी, मैंने इसको सेंटर में रखा है। ओके, ये निशान सेंटर में है। जो लेफ़्ट राइट मूवमेंट है वो आपको लेफ़्ट पर भी नहीं इसको फुल रखना, राइट पर भी नहीं रखना, इसको मैक्सिमम सेंटर पर रखना है, ताकि आपका होल थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो तो वो एडजस्ट हो सके। हमें सबसे पहले इसके पाइप की मेजरमेंट करनी होती है। हमने इसके सेंटर से साइज़ लेना है, ना कि आगे से ना कि पीछे से। हमने इसको सेंटर से साइज़ ले लेना है, जहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है अपने इंचेस टेप के ऊपर। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने मार्क किया हुआ है पाइप का सेंटर, हमने यहाँ से साइज़ ले लिया है। मतलब हमारी प्लेट से राइट साइड पर, बिल्कुल प्लेट के एंड से राइट साइड पर जो है ये हमारा जो साइज़ है, आप नोट कर ले कितने इंच का है। मैंने वहाँ पर मार्क कर लिया है ताकि मुझे याद रहे, तो उस हिसाब से हमने कर लिया है। अब इस यहाँ पाइप जो है, जो हमारा ड्रेन पाइप है, वो एक साइड से कट करके रूम में ही रहेगा, तो इसलिए हमने ये इस साइड से कट करके इसको रूम में ही रख लिया है। अब यहाँ पर इसकी जो मेन सप्लाई है वो भी अंदर रहेगी, और सिर्फ आउटडोर यूनिट की ब्लैक वायर जो है ये बाहर जाएगी, आउटडोर यूनिट के होल से बाहर निकलेगी। यहाँ पर जो है हमने नीचे का साइज़ जो है वो लेना है, जो होल है हमारा कितना मतलब नीचे होगा। यहाँ से प्लेट जो है वो बिल्कुल जहाँ पर एंड हो रही है, जो इसका फ्रेम है, उससे आप इसको आधा इंच ऊपर रखेंगे। ओके, आधा इंच आप देख सकते हैं ऊपर रखेंगे, तो आसानी के साथ आपका होल सही होगा और आपका पाइप सही फिट बैठ जाएगा। अगर आप ज़्यादा ऊंचा कर देंगे तो आपका पाइप जो है वो अटकेगा, आपका पाइप सही उसमें फंसेगा, तो आपका यूनिट जो है वो सही से फिट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम आधा इंच जो है इसको ऊपर ही सिर्फ रखेंगे, प्लेट के बिल्कुल एंड से, और राइट साइड पर कितना आगे करना है वो अब मैंने वहाँ पर मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर इस वॉल पर हमने इसको लगाना है लेफ़्ट राइट से। आप इसका टोटली एक बार जो है मेजरमेंट कर लें। ये 12 फीट की दीवार है। ओके, तो 12 फीट में मैंने 6 फीट पर निशान लगा लिया है, जो कि दीवार का हमारा सेंटर निकल आया, जिससे हमें दीवार का सेंटर मालूम हो गया और हम एयर कंडीशनर को सेंटर में लगा देंगे। ओके, अभी एसी का जो सेंटर है उसी हिसाब से हमारा सेंटर यहाँ पर ये प्लेट का ये सेंटर बिल्कुल सेंटर ही बन रहा है। तो मतलब ये वाला हम हिस्सा जो है इसका निशान लगा लें मार्क से, या माइंड में रखें कि ये दीवार के उस जगह पर रखेंगे जहाँ पर हमने सेंटर किया है, जैसे 6 फीट पर मार्क किया हुआ है, तो ये हम वहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए हम इसको फ्रेम को प्रॉपर जो है कैसे मैंने लगाया आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है इसका सेंटर आप देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल ये ब्रैकेट के पीछे ही मैंने मार्क किया था, तो ये हमारा सेंटर आ चुका है। और मैंने इसकी मुकम्मल लेवल करके प्लेट लगाई, और प्लेट लगाने के बाद राइट साइड पर जो है मैंने इसका जो मैंने निशान लिया था वही निशान कर लिया। प्लेट लगाना बहुत ही आसान है, सिर्फ इसका आपको लेवल करना होता है और लेफ़्ट राइट पर स्क्रू वगैरह जो है आपको अच्छे से लगा देने होते हैं, ताकि मज़बूती से ये दीवार के साथ लगा रहे। अब यहाँ पर मैंने ये सेंटर वाला मार्क कर लिया हुआ है, और नीचे से हाफ इंच मैंने ऊपर रखा हुआ है। ओके, राइट साइड पर जो मैंने मार्क किया था हमारा होल जो है वो सेंटर है, तो वो सेंटर मार्क करके मैंने उसके चारों तरफ एक बॉक्स बना दिया है, जो कि हमने ड्रिल करके इसको निकालना है। तो ड्रिल करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको बहुत ही आसानी से होल को कर लिया है, जो कि हमारा पाइप आसानी से गुजर जाएगा। वैसे नॉर्मली होल सा जो बिट होता है वो अगर आपके पास होगा तो आपका जो होल है वो और भी खूबसूरत तरीके से आप कर पाएंगे। मैंने इसको अभी छेनी हथौड़े से किया है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इंडोर यूनिट को हैंग करने के लिए क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसके पहले कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन याद रहे, ये इन्वर्टर एसी है, इसके सेम कनेक्शन जो इंडोर यूनिट में है आउटडोर यूनिट में होने चाहिए। पहले पर, दूसरे पर और थर्ड पर, और इसी तरह आपको जो है लास्ट पर जो कनेक्शन आपने किए हैं, मैंने एल पर मैंने ब्रोन लगाई है, एन पर मैंने जो है ब्लू, और ग्रीन जो है वो सेंटर में अर्थ है, और लास्ट पे मैंने एस वाले पॉइंट पर मैंने ब्लैक लगाई हुई है।
और यही हमने आउटडोर जनरेटर में कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन करने के बाद तार, इसकी वायर और पाइप हमने बाहर निकाल दिया है और अच्छे से इसको एडजस्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं होल बिल्कुल भी नीचे से नहीं नज़र आ रहा, तो मतलब हमारा होल परफेक्ट हुआ, एसी भी परफेक्ट हैंग हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बनी। बाहर वाली साइड पर आए तो हमारी तार यहाँ पर मौजूद है और पाइप आ चुका है। अब यहाँ पर जो है हमने इसका राइट साइड पर आउटडोर यूनिट हम यहाँ पर हैंग करेंगे। आउटडोर यूनिट का हम फ्रेम लगाएंगे, फ्रेम को सिंपल हम लेवल करके उसके रावल बोर्ड्स जो होते हैं वो हम तीन राइट साइड पर और तीन लेफ्ट साइड पर लगा देंगे ताकि ये भी अच्छे से दीवार पर लग जाए। अब यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया हुआ है राइट साइड पर करके। यहाँ पर आप देखें ये कि मैंने एक निशान लगाया हुआ है, जो मार्क मैंने किया हुआ है ये हमने निशान लगाया था कि यहाँ से ऊपर छत तक जो है हमारा आउटडोर यूनिट पूरा फिट हो रहा है, लेकिन हमें इससे नीचे रखना है ताकि ऊपर किसी जगह के ऊपर छत के साथ ना लग जाए। और थोड़ी सी स्पेस वैसे भी हमें 6 इंच ऊपर से नीचे छोड़नी चाहिए ताकि कभी कोई फॉल्ट आ जाए तो हम आसानी से ऊपर से टॉप कवर को खोल के चेक कर सकें। अब यहाँ पर आपको राइट साइड पर हमारा जो यूनिट है वो आ चुका है ये वाला, तो हमें राइट साइड की तरफ इसको आराम से बेंड कर लेना है। न्यू पाइप होगा तो आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, थोड़ा ओल्ड होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप इसको आराम आराम से राइट साइड की तरफ बेंड कर दीजिए। बेंड करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर इसका पाइप पहले फिट किया था, आउटडोर यूनिट बाद में ऊपर रखा था ताकि आसानी से हम इसको जो है अब यहाँ पर बेंड कर सकें। अभी पाइप आगे की तरफ एक्स्ट्रा है तो यहाँ से जो है हम इसको बेंड करके इसके फ्लेयर की तरफ कर देंगे। तो मतलब हमने पहले वो फ्लेयर जॉइंट्स लगाए जो इंडोर यूनिट की बैक साइड पर थे, वो लगाने के बाद हमने आउटडोर यूनिट ऊपर रखा और पाइप ऑलरेडी पीछे था, तो अब हम इसकी जो है फिटिंग बनाएंगे जो हम इसके जॉइंट्स की तरफ लेकर आएंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी फिटिंग पाइप बड़ा था इसकी तरफ कर लिया है मैंने। आपको अब फ्लेयर बनाकर दोनों को यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, इसके अच्छे से फ्लेयर बनाने हैं और यहाँ पर क्रैक कर देना है और हमारी फिटिंग तकरीबन 80% तो यहाँ पर कंप्लीट हो ही जाएगी। तो यहाँ पर जो है इसको मैं फ्लेयर बनाकर अच्छे से यहाँ पर टाइट कर देता हूँ। तो जी हाँ, मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको जो है टाइट कर दिया है नट फ्लेयर बनाकर। अब यहाँ पर जो है अगर आपके पास चार्जिंग लाइन है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे अब हमने इसको गैस को पर्च करना है। अगर आपके पास वैक्यूम है तो वैक्यूम आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हमने इसके कनेक्शन भी अब कर लेने हैं आउटडोर यूनिट में आकर, जैसे कि मैंने वहाँ पर एल पर ब्रोन लगाई थी तो यहाँ पर भी एल पर ब्रोन आ गई, लाइन न्यूट्रल जो है हमारी ब्लू थी अंदर, यहाँ पर भी ब्लू लगा दी और एस पर जो है हमने ब्रोन लगाई सॉरी ब्लैक लगाई थी, तो यहाँ पर भी हमने ब्लैक एस पर लगा दी। इसका अर्थ पॉइंट साइड पर है बॉडी में ही, तो इसीलिए हमें ये साइड पर बॉडी में ही लगाना है क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट में अर्थ की ऑप्शन नहीं दी थी। अभी हम यहाँ पर जो है इसको पर्च करवाएंगे। यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, डिस्चार्ज को हम ओपन करेंगे और ऊपर जो हमारी चार्जिंग लाइन है वहाँ से हम इसको पिन को पुश करेंगे तो हम वहाँ से गैस को पर्च कर सकेंगे, मतलब जो इसमें एयर है उसको रिलीज़ कर सकेंगे। वैक्यूम पंप है तो वो आप बहुत ही अच्छे से इसको वैक्यूम करें। वैक्यूम पंप नहीं है किसी वजह से आपके पास तो आप यहाँ पर इसको कैसे पर्च करवा सकते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर हमने एल की को नीचे डिस्चार्ज वाले पाइप पर रखा हुआ है तो वहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। डिस्चार्ज से जो जितनी भी एयर है अंदर वो सारी इंडोर यूनिट से होकर हमारी ऊपर रिटर्न लाइन से निकल जाएगी, यहाँ से जाएगी हमारी डिस्चार्ज लाइन से एयर सीधी अंदर और ऊपर से रिटर्न वापस आएगी। सारी जो बीच में एयर होगी वो यहाँ से हम जब पर्च करेंगे इसको प्रेस करेंगे पिन को तो वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो बहुत ही आसान है, ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये अगर आप नहीं करेंगे इसको पर्च, इसकी हवा नहीं निकालेंगे जो पाइप में इंडोर यूनिट में मौजूद थी, तो आपका सिस्टम चोक हो सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम करेगा, कूलिंग परफेक्ट नहीं देगा। तो चलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, एल की को थोड़ा सा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसको वापस बंद कर देते हैं और अब यहाँ पर हम इसको जो है पर्च करवाएँगे अच्छे से ताकि यहाँ से जो हवा है वो आसानी के साथ बाहर आ जाए। और हमारी थोड़ी सी गैस वेस्ट तो ज़रूर होगी लेकिन इतनी गैस में कोई इतना एसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी अच्छे से जो है वैक्यूमिंग इसी तरह हो जाएगी। अगर आपके वैक्यूम पंप आपके पास मौजूद है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप वैक्यूम पंप का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर जो है अच्छी खासी इस तरह पर्चिंग करने के बाद
हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल की जो है थोड़ी सी ओपन करके इसमें जो है थोड़ा सा प्रेशर चार्ज कर देंगे। मेरे पास अभी गेज अवेलेबल नहीं थी तो मैं यहाँ पर गेज लगा कर 100 प्रेशर वहाँ पर शो करवा लेता। अभी यहाँ पर जो है हम दोनों नट्स की लीकी चेक कर लेंगे, इंडोर यूनिट क्या पास जो दोनों नट्स हैं बैक साइड पर, और यहाँ पर भी ये जो दोनों हमने नट्स लगाए हैं हम इसकी लीकी टेस्ट कर लेंगे। तो लीकेज फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, लीकेज फाइंड करने के बाद हमारा जो मसला था वो सॉल्व हो गया, मतलब लीकेज नहीं मिली। तो हमने नॉर्मली यहाँ पर अब क्या कर लेना है, दोनों एल की वाल को हमने ओपन कर देना है, यानी कि हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हमें लीकेज नहीं मिली, इसका मतलब सिस्टम में लीकेज नहीं है, हमारे जो पाइप हमने कनेक्ट किए हैं इसमें लीकेज हमें नहीं मिली। तो हम यहाँ पर जो है दोनों वाल को आसानी के साथ अब ओपन कर देंगे। अब आप इसका डिस्चार्ज या रिटर्न जो सक्शन पाइप है दोनों में से कोई भी आप ओपन कर दे पहले, कोई मसला नहीं, दोनों को आपने एक टाइम में ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आप इसको ऑन करवाएं, रन करवाएं, बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। तो ये थी कुछ टिप्स जो कि आपको इंस्टॉलेशन से रिलेटेड मैं देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, हमारे इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।